दिल्ली से सामने आ रही है, जहां दिल्ली में एक पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें, आतंकी के पास से AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। ISI ने भारत में कई जगह हमलों की दी थी ट्रेनिंग, और ऐसे में आज स्पेशल सेल की पूछताछ, आतंकी स्पेशल सेल आज आतंकी से पूछताछ करेगी। फिलहाल पूछताछ भी लगातार जारी है। तो दिल्ली में एक पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार किया गया है, और आतंकी के पास से AK-47 हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया। पकड़े गए आतंकी का नाम मोहम्मद अशरफ बताया जा रहा है। तो इस वक्त पकड़े गए आतंकी का नाम भी सामने आ चुका है, मोहम्मद अशरफ बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि ये पाकिस्तान से आया है, और पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ के पास से AK-47 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस पहले से ही एक्टिव थी, क्योंकि स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया आतंकी को, और दिल्ली में पहले से ही अलर्टनेस थी। पहले ही ऐसे कोई इनपुट मिल चुके थे कि दिल्ली में कुछ दहशतगर्द पहुंचे हुए हैं जो दिल्ली को दहलाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में स्पेशल सेल की तरफ से आतंकी की गिरफ्तारी की गई है, उसके पास AK-47 और ग्रेनेड बरामद किए गए। उज्जवल संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल, पहले से ही जिस बात का अंदेशा था और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, एक पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हुआ है, क्या सामने आ पाया है? बिल्कुल ठीक ममता, देखिए अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली पुलिस पहले से ही एक्शन मोड में थी, क्योंकि खुफिया एजेंसी की तरफ से पहले ही इनपुट मिल गया था दिल्ली पुलिस को कि दिल्ली में जो कुछ दहशतगर्द हैं वो आकर दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के देखिए स्पेशल सेल जो है वो पहले से ही एक्टिवेट हो गई, और दिल्ली पुलिस भी खुद वो एक्टिवेट हो गई, एक्शन मोड में आ गई। जगह जगह देखे दिल्ली में जो है छापेमारी की जा रही थी, इसके साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो बढ़ा दी गई। अगर हम बात करें गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही थी। इसी के साथ अगर हम देखे आज की बात करेंगे तो आज भी देखे दिल्ली पुलिस ने की जो स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी किया वो लक्ष्मी नगर स्थित रमेश पार्क है, वहां पर से एक आतंकी को गिरफ्तार किया। और आतंकी का नाम देखे बताया जा रहा है कि मोहम्मद अशरफ, और वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के इलाके से आया है। उसके पास देखिए मकसद वही था, अगर ममता बात करें तो दिल्ली को दहलाने की साजिश की जा रही थी, और देखिए अभी से नहीं चल रही थी, पहले से ही चल रही थी। अगर हम बात करेंगे देखिए जब से तालिबान की तरफ अगर हम जाएंगे, तालिबान ने जब से अफगानिस्तान में सरकार बनाई थी तब से वहां पर जितने भी खूंखार आतंकवादी थे उनको कहीं ना कहीं वहां से जेल से छुड़ाया गया था, और इसकी मदद भी देखिए पाकिस्तान के ISI ने ही करी थी। और तभी से यही अंदेशा लगाया जा रहा था कि जितने भी आतंकियों को छुड़ाया गया है उनको ट्रेन करके स्लीपर सेल बना के हिंदुस्तान भेजा जाएगा, अफगानिस्तान के रास्ते से, देखिए कश्मीर के रास्ते से, घाटी के रास्ते से। तो देखिए अब हम ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान है फिर से अपनी नापाक जो हरकतें हैं, इसका मतलब साफ है उज्जवल की अगर एक आतंकी पकड़ा गया है जिसके पास से AK-47 राइफल समेत कई ग्रेनेड पकड़े गए हैं, ऐसे कई और लोग हो सकते हैं, अकेले तो एक व्यक्ति दिल्ली को नहीं दहला सकता है। बिल्कुल ठीक ममता, देखिए अभी अगर हम दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बात करेंगे तो जो पकड़े गए आतंकी है उससे पूछताछ जारी है, और हो सकता है कि देखिए उसके पास से जो पासपोर्ट मिला है उसकी भी जानकारी ली जाए। उनके पास से देखिए एक फोन भी बरामद हुआ, तो देख सकते हैं कि व्हाट्सएप से किससे बातचीत हुई है, कॉल पे किससे बातचीत हुई है, दिल्ली पुलिस सारी चीजें खंगालेगी। और देखिए हो सकता है कि दिल्ली में अभी और भी जो स्लीपर सेल्स है वो मौजूद हो, तो दिल्ली पुलिस देखिए अभी भी तफ्तीश में लगी हुई है, सारी चीजें जानकारी जुटा रही है, पूछताछ जारी है। हो सकता है कि और आतंकी जो है वो दिल्ली और उज्जवल कहां से हुई थी इस आतंकी की गिरफ्तारी और कैसे पता चला था? देखिए अगर आतंकी गिरफ्तारी की बात करें ममता तो दिल्ली में लक्ष्मी नगर इलाके के रमेश पार्क के आसपास जो है वहां पर ये आतंकी रह रहा था, और ये अपने नाम बदल के रह रहा था, फर्जी पासपोर्ट के साथ रह रहा था, हिंदुस्तान के जो फर्जी इसने ID बना रखी थी उसके साथ ये यहाँ पर रह रहा था। दिल्ली पुलिस के देखिए स्पेशल सेल को इनपुट मिली, उनके सूत्रों ने उनको बताया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने छापेमारी करी, स्पेशल सेल वहां पर पहुंची, और उसके बाद वहां पर उस आतंकी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से AK-47 भी मिली, एक अलग से मैगजीन मिली 60 फायर की, उसके साथ ही दो अत्याधुनिक पिस्टल मिली है, और उसके साथ हैंड ग्रेनेड मिले हैं, और उसके साथ भी अलग से ही 50 राउंड फायर के जो मैगजीन है वो मिली है। तो आप देख सकते हैं कि कितना असला और बारूद ये अपने साथ लेके आए थे, दिल्ली को दहलाने की साजिश इन्होंने पूरी रच रखी थी, जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नाकियों में आपका दी। ममता फिलहाल क्या पूछताछ में अब तक सामने आ पाया है, क्योंकि कल से अब तक पूछताछ चल रही है, क्या कोई जानकारी सामने आ पाई हो? अगर देखिए जानकारी की बात करें तो अभी तक फिलहाल जो है दिल्ली पुलिस जो है तमाम चीजें जुटाने में लगी हुई है। अभी तक जो ये चीजें बाहर निकल गया है कि पाकिस्तान की तरफ से ही इस आतंकी को भेजा गया था, पंजाब प्रांत से था पाकिस्तान के, और ISI ने ही इसको पूरे तरीके से ट्रेंड करके भेजा गया था, और इसका नाम जो है उसके नाम का भी खुलासा हो चुका है, इसका नाम मोहम्मद अशरफ बताया जा रहा है। तो अभी देखिए